सवाल नंबर एक, ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट में पारे का वाष्प और आर्गन गैस भरी जाती है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पारे का वाष्प और आर्गन। सवाल नंबर दो, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मिश्र धातु। सवाल नंबर तीन, हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? हमारे ज़मीन पर सबसे अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम मौजूद है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम। सवाल नंबर चार, निम्नलिखित में से पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। सवाल नंबर पाँच, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? दुनिया में सबसे जहरीला गैस जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। सवाल नंबर छः, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? यानी वायु में सबसे हल्की गैस जो है वो हाइड्रोजन है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। सवाल नंबर सात, निम्नलिखित में कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? निम्नलिखित में सबसे गर्म जो थर्मोस्फीयर है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, थर्मोस्फीयर। सवाल नंबर आठ, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम होगी? इनमें से जो है सबसे ऑक्सीजन की मात्रा कम जो है 120 किलोमीटर पर होगा, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 120 किलोमीटर। सवाल नंबर नौ, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज क्रिस्टले और सीले ने की थी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। सवाल नंबर दस, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दुधिया कर देती है? निम्नलिखित में जो है कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दुधिया करता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल नंबर 11, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में होती है? पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर के मस्तिष्क में पाया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मस्तिष्क। सवाल नंबर 12, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? मनुष्य के सुनने की क्षमता 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। सवाल नंबर 13, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा बदला जाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फोटोवोल्टिक सेल। सवाल नंबर 14, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मेथेनोइक अम्ल। सवाल नंबर 15, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेघा रोग होता है? निम्नलिखित में जो है घेघा जो है वो आयोडीन की कमी से होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आयोडीन।